मुश्किल से ये पच व मे उमु त अगर गौरम्टस मर्जी अस हा हा व तो तुल रोड़े हुकुमरान वोट मांगने तथग दपन बस जो तु रो बेफुर कसम तो कुरान् कट नड़ पच्चा तम दरिएब तो इनके जो ये गाँव है मतलब बाशी है गोट है ब्राह्मणपुरा है दार है इसमें कम से कम आठ हज़ार की आबादी है हमें वोट वोट के दौरान वोटों के दौरान हमें ये ठगा रहे जैसे बच्चों को माँ एक या बाप एक ठगा रहे टाफी दे अगर हमें रोड नहीं मिलेगी तो आपको मालूम ही है कि अगर और कोई पार्टी आएगी तो उसके साथ हम जाएंगे क्योंकि ये तो रिबोर्ड का मसला तो अपने पास होता है अस्सलाम वालेकुम आदाब अपने मेज़बान राही नवाज़ लोन का सलाम कबूल कीजिए नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के इलाका गुंदना के गांव बाशी में और ये गांव जो है कस्बा डोडा से लगभग 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर आता है और ये इलाका जो है काफ़ी पसमानदा है और 70 साल से लेकर आज तक जो है यहाँ के लोग सड़क रबे के लिए तरस रहे हैं और अफसोस का मकाम यह है कि जहाँ हमारे मुल्क के लोग और हमारा मुल्क आज जश्न आज़ादी के सिलसिले में जो है मसरूफ़ है वही हमारे लोग जो हैं इस पसमानदा इलाके की आज भी सड़क रबते का मुतालबा करते हैं तो इसी सिलसिले में हमारे सामने अभी यहाँ के मकामी लोग हैं ये वार्ड नंबर सात के पैच हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जी सबसे पहले आपका इस्तबाल है जी नवाद साहब शुक्रिया आपका क्या कहना चाहेंगे आप कब से आप सफ़र कर रहे हैं कितने मुतालबात किए आपने और आपने आज तक जो अपने जो आपका जो इख्तियार होता है वोट का उसका इस्तेमाल करके भी आप जो है आज तक सड़क रबते से महरूम हम ये जो हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ सत्तर साल हो चुका है आज भी पंद्रह अगस्त का दिन जोशो खरोश से हम मना रहे हैं इसके बावजूद हमारी जो रोड है सत्रह सालों सत्तर सालों से हम इस रोड की हमारे जो बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन्होंने भी मांग किया है कि बाकी गंदना गोट ब्रह्मनपुरा के लिए रोड होना चाहिए लेकिन अभी तक वो रोड नहीं निकला है उसके बाद हमने कांग्रेस में भी हमने काम किया है पीडीपी में भी हमने काम किया है हमने सोचा वहाँ से कोई मसला हाल नहीं होगा लेकिन उसके बाद मैंने 18 में बीजेपी के साथ ज्वाइन किया है 18 के बाद 2020 में मैंने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौंसर नटनू साहब हैं मैंने उससे बात किया है रोड के बारे में और उसने ये बताया है कि मैं बाशी गाँव में खुद आकर देखूंगा वहाँ की कितनी आबादी है यहाँ की आबादी 500 से ज़्यादा वार्ड नंबर छः और वार्ड नंबर सात में है उसके बावजूद वो यहाँ पे आया है उसने हमें विश्वासन दिया है कि आपका रोड जल्द से जल्द हम निकाल के दे देंगे और हमने उसके पास एक लेटर भी पहुँचाया है आर एन बी आपने 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 जैसा कि आपने आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी ज्वाइन की जैसा कि आप देखते हैं कि मरकज़ी सरकार भी बीजेपी की है की है और पावर भी उनके पास है तो अगर इनके दौरे इकतदार में आपका मसला हल नहीं होता है तो आप ये कैसे यकीन करेंगे कि फिर इनके बाद जो है कोई पार्टी आएगी और वो आपका मसला हल करेगी नहीं हमें वोट से पहले ये उम्मीद है कि ये रोड निकलने वाली है हमने इसलिए ज्वाइन किया है मैंने पूरे वार्ड को इसलिए ज्वाइन करवाया है कि ये रोड निकल जाएंगे अगर ये रोड दिसंबर से पहले नहीं निकला तो हमारे को मुश्किल आएगी हो सकता है मुझे आगे के लिए और पैंच के इलेक्शन लड़ना है तो मुझे खुद को मुश्किल आएगा लिहाजा मैं अपनी पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस महीने के अंदर अंदर हमारा जो रोड है इसका हमें फंक्शन आना चाहिए और इसका जो पैसा है वो मंजूर होना चाहिए और दिसंबर तक हमारा रोड निकलना चाहिए अगर ऐसा ना हो तो हमें फिर मजबूरन आगे के लिए और कुछ करना पड़ेगा हमने बहुत बार फरियाद किया है हर हुकूमत से कि हमारी जो ये गांव है बाशी है गोठ है ब्रह्मपुरा है दार है इसमें कम से कम आठ हज़ार की आबादी है हमें रोड चाहिए लेकिन कोई सुनता बस इलेक्शन के दौर आए और इलेक्शन के दौर में हर एक पार्टी अपने अपने वादे करते दस दिन के बाद महीने के बाद दो महीने के बाद हमें जिता लो तो हम आपकी रोड बना देंगे लेकिन आज मैं आपकी वसत से आपके माध्यम के चैनल की वजह से डी सी डोडा गवर्नर साहब से एल जी साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन सियासत लीडरों ने हमें बहुत बार इन्हें ठगाया तो आप ही गवर्नमेंट ही आप ही सर लोग ही इस सड़क के नहीं आपके पास पावर है वोट की पावर है क्यों ना आप, आप वोट से पहले किसी लीडर को आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप वोट से पहले हमारा काम कीजिए और उसके बाद आप वोट क्यों नहीं देते हम यहाँ के आवाम जो है ये गरीब है सीधा साधे लोग हैं तो हमें वोट वोट के दौरान वोटिंग के दौरान हमें ये ठगा रहे हैं जैसे बच्चों को माँ एक या बाप एक ठगा रहे हैं टाफी देकर या थोड़ा मैं दुकान पे जाता हूँ आपको टाफी ला के देता हूँ तो तब तक चुप करो वैसे हमें बस ठगा रहे हैं ये सियासी लीडर लोग तो जब तक ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद बस कोई नहीं कोई नामो निशान नहीं कोई नज़र नहीं देने के लिए आता है यहाँ तो फिर रोड यहाँ हम काफ़ी अरसे से लगभग सत्तर साल से जब से ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त से आज तक हम रोड से महरूम हैं और यहाँ की हालात देख कर यहाँ की बरदरी देखते हैं यहाँ के लोग देखते हैं कि यहाँ की आवाम को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसको हमने कांधे पे उठा के रोड में पहुंचाना पड़ता है जब तक उसको अगर ऐसी कंडीशन होती है जब तक उसको रोड में पहुंचाया जाता है तब तक उसकी डेथ भी हो जाती है बच्चों को भी काफ़ी मुश्किल का सामना आज के सीज़न आज के दौर में बच्चों को ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आज आपको मालूम है कि आज ये फसल जो है घास जो है इसमें सांपों और रीछ शेर का भी डर होता है लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से गवरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि हमारी इस रोड की तरफ़ तोज़ दी जो भी सियासतदान जो भी लीडर आता है हमें यहाँ पर इलेक्शन के दौर में आते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि बस आज नहीं कल आपकी रोड की काम लग जाएगी आपको रोड पहुँच जाएगी लेकिन जो ही इलेक्शन का दौर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आता है अगर आपको रोड नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे अगर हमें रोड नहीं मिलेगी तो आपको मालूम ही है कि अगर और कोई पार्टी आएगी तो उसके साथ हम जाएंगे क्योंकि यह तो वोट का मसला तो अपने पास होता है नहीं पार्टीज़ का तो मुसलसल जैसा कि यहाँ बुजुर्ग हमारे चाचा एक कह रहे थे कि सत्तर साल से हम वोट देते आए हैं मुसलसल आपने हर एक पार्टी को ज़ाहिर सी बात है आजमाया होगा लेकिन आगे के लिए आपका कौन सा लाल अख्तियार हम, हमारा करेंगे? यही लाल है कि हम जो हमारे रोड को एलेक्शन से पहले पहले यहाँ लुढ़ना से दहार कुंड तक पहुँचा कर जो पार्टी हमें पहुँचा कर वोट दे देगी इलेक्शन से पहले मगर पहुँचा कर दे देगी उसके साथ हम जितने भी आवाम हैं यहाँ लुढ़ना से लेकर गुंडना कुंड तक जितने भी आवाम है हम उनको बिल्कुल हर एक बच्चा जितने भी वोटर से है सब वोट डालेंगे उसकी पार्टी को इसीलिए सड़क रबते को जो है तामीर तरक्की की जो है रीढ़ की हड्डी के मुतरद कहा जाता है क्योंकि अगर सड़क रबा होता तो जाहिर सी बात है इन लोगों की जो रुदाद है ये सामने नहीं आती क्योंकि किसान किसान जो हैं यहाँ सब्ज़ी फरोश हैं या फिर जो फ़सल उगाते हैं फ़सल को बेचना फ़सल को ख़रीदना वगैरह वगैरह ये सब मामला ये सब मसलो मसाइल इनको दरपेश नहीं आते इनके स्टूडेंट्स जैसा कि सफ़र करते हैं और इसके साथ साथ कई दीगर जो हैं मसलो है मसलो मसाइल इनको दरपेश हैं तो इसी सिलसिले में यहाँ के पंचायत गुना के सरपंच मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे दरमियान में अभी मौजूद हैं तो इनसे भी हम राय लेंगे जी शफी साहब आपका इस्तबाल है शुक्रिया आपका शफी साहब क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के लोग हैं आ, इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है और चूँकि एक पसमानदा इलाका है तो इसके मतलब आपकी क्या राय देखिए हमारी सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस दूर दराज़ इलाके में तशरीफ़ लाए और हमारे पास आपके सिवा और कोई ज़रिया नहीं है कि हम में बाला तक कोई बात पहुँचा सकें तो हम सबसे पहले मीडिया का ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर इस गरीब आवाम के दरमियान में आते हैं और हमारी फरियाद हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ की रोड का या यहाँ की जोग्राफिया कली जो हम देखते हैं आप अब भी देख रहे हैं हम भी यहीं पर हैं तो उन्नीस सौ में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उन्नीस सौ से लेकर दो हज़ार आठ में धड़ा टू मलवाना जागीर रोड पहुंची। लेकिन इस मलवाना धड़ा टू मलवाना जागीर रोड जो, जो रोड है इसके इर्द गिर्द में कौन कौन से इलाके पड़ते हैं शायद दिल्ली को ये मालूम हो कि सारा इलाका हमने कवर कर लिया हो लेकिन हम जानते हैं कि कौन से इलाके अभी कवर नहीं हुए हैं और किन किन इलाकों में इन चीज़ों की सहूलियात मौजूद हैं हम कह रहे हैं कि हम उन्नीस नहीं बल्कि उन्नीस की पोजीशन में अभी खड़े हैं ये इलाके ये लोग जो हैं 1935 की पोजीशन में खड़े हैं जहाँ पर उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कोसा जाता था मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ता था उसी एतबार से आज भी हमारे लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इसलिए हम समझते हैं कि डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट जो है वो सबसे बड़ी उसमें जो पहला पिलर है वो हमारी रोड कनेक्टिविटी है एजुकेशन है हेल्थ सेक्टर है ये चीज़ें ये तीनों चीज़ें हमारे इन दूर दराज इलाकों में जो है वो बिल्कुल माइनस में चल रही हैं कागज़ों में क्या हो रहा होगा इश्तहारों में क्या आता है इसका उससे हमें कोई लेना देना नहीं लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है वो ये है कि आज भी हमारा गरीब मज़दूर आज भी हमारी गरीब आवाम आज भी हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है या आज भी हमारा जो छोटा बच्चा है वो तालीम से महरूम है हमारा जो लेबर है वो मज़दूरी से महरूम है हमारा जो क्या कहते हैं कि दीगर चीज़ें जो हैं उन चीज़ों तमाम चीज़ों से लगभग इन दूर दराज और फार फलॉग एरियाज़ में महरूम हैं इसके लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ ये थी कि हमें रोड कनेक्टिविटी मिलती लेकिन वो अभी नहीं है जैसे हमारा आगे आप देख रहे हैं गांव लुडना है गणियती है ये आ गया बाशी इसके बाद आएगा आएगा हमारा ये गोट उसके बाद आ गया अपर ब्रह्मनपुरा उसके बाद आएगा हमारा एक और गांव लवर दहर उसके बाद आएगा हमारा घनाईपुरा उसके बाद आएगा हमारा नूराबाद उसके बाद आएगा हमारा शेखपुरा इसके बाद आएगा हमारा लवर दहर ये सारे इलाके जो हैं इस जितने में मैंने गिनाए हैं इन में लगभग कुछ नहीं कुछ नहीं तो लगभग पाँच हज़ार की आबादी पर ये गांव मुश्तमिल हैं।, हैं लेकिन इस गाँव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारी गुजारिश है डी साहब से एल साहब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके मेहरबानी करके इस गरीब आवाम के साथ इंसाफ़ किया जाए और वो इंसाफ़ इनके साथ यही है हमारे साथ वो इंसाफ यही है कि ये जो रोड कनेक्टिविटी है इसको दिया जाए अगर ये रोड कनेक्टिविटी हमारी हो जाए तो मैं आपके कैमरा मैन से गुज़ारिश करूँगा कि ऊपर की तरफ अगर ये कैमरा घुमाएंगे तो ये जो हमारा ही गुलमर्ग है ऊपर पिकनिक स्पॉट हाँ ये गुलमर्ग है ये ये आम जगह नहीं है वो डलद्रमन है ये आम जगह नहीं है मैंने पिछले साल दिव, दिवस देवस्था यहाँ पर मैंने डीसी सी डोडा साहब से गुजारिश की थी कि आप डलद्रमन का एक टूर बनाएं लेकिन शायद अपनी मसरूफियात की वजह से वो अभी नहीं आ पाए मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे यहाँ पर जैसे लाल द्रमन में उन्होंने मेला करवाया मुझे उम्मीद है कि वो डलद्रमन में भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा मेला करवाएंगे और फिर वो अपने आँखों से देखेंगे कि हमारा गुल हमारा जो ये इलाका है ये कितना खूबसूरत और कितना हसीन है अगर इसमें रोड कनेक्टिविटी आएगी तो क्या हो बाहर से लोग टूरिस्ट आएंगे ऐसे भी हमारे गर्मियों के मौसम में लोग चल के पैदल सफ़र करके हज़ारों में ऊपर लोग जाते हैं लेकिन जब रोड कनेक्टिविटी होगी तो हमारा जो बाहर का नौजवान है वो घोड़ा लेके जाएगा कोई दुकान बनाएगा कोई और कुछ अपने तरीके से तो वो यहीं पर अपना कारोबार एक सेटल करेगा जिसकी वजह से आवाम को भी फायदा होगा और उसी तरह से गुरबत भी दूर हो जाएगी और जो मुश्किलात हमारी हैं वो भी हल हो जाएंगी बहुत बहुत शुक्रिया ये थे सरपंच गुन्ना आ, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब इन इन्होंने जो है अपने ख्याल का इज़हार किया और इन्होंने कहा कि जो सड़क रबता है ये वो अज़हद ज़रूरी है इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि ज़िला इंतजामिया और सियासी नुमाइंदान बाशी के रिहायशी जो यहाँ के जो लोग हैं इनके इस नोटिस को इनके मुतालबात को अपनी नोटिस में लेकर जो है इस पर फौरी तौर जो है कार्रवाई अमल में लाए इसके साथ ही अपने मेज़बान राही नवाज़ लौन को दीजिए इजाज़त अल्लाह हम सब का हामी वनासर